हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो टावर मोमेंट से गुजरने वाले डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी के ऊपर आज का ये वीडियो बनने वाला है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आ रहा हो या फिर आप इस कंडीशन से गुजर रहे हो जो कि टावर की कंडीशन है, तो उन सभी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज की ये एनर्जी, जो भी आप जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस पल की ये एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है। अभी की आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी, हार्ट चक्रा से निकलने वाली, सोल से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को। और वो क्यों मिस कर रहे हैं, इसके पीछे जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो भी हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। वो सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जो कुछ समय पहले इतना प्यार लेकर अपने मस्कुलिन के लिए डिमोटेड रहते थे कि उन्होंने उनके लिए खुद को ही भुला दिया था, उन्होंने अपने सेल्फ वैल्यू को ही भुला दिया था, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं रखा कि मैं खुद भी एग्जिस्ट करती हूँ। हर पल उन्होंने खुद को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम में डूबकर अनकंडीशनली हर पल अपने आप को बस सिर्फ प्रेम में डूबाकर अपने आप को बस उनकी सेवा में लगाया था। और कहीं ना कहीं सब कुछ करने के बाद भी आपके मन में हमेशा सवाल रहते थे कि क्यों मुझे हमेशा रिजेक्शन मिल रहा है इस जर्नी में। और ऐसा ही होता रहा है। वो डिवाइन मस्कुलिन जो कभी डिवाइन फेमिनिन को दिल की गहराई से प्यार करते थे, एक मिनट भी उनके बिना वो नहीं रह सकते थे, जो हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनिन की केयर किया करते थे, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, लव वाइब्रेशन इक्वल गिव एंड टेक दे दिया करते थे, परंतु बीच में ही क्या ऐसी वजह हो गई है कि उन्होंने आपको सडनली भुला दिया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों कि क्या होता है कि जब इस जर्नी में दो ट्विन्स मिलते हैं, पहले तो वो बहुत एक दूसरे की तरफ इंटेंसिटी से अट्रैक्ट होते हैं पावरफुली, परंतु होता क्या है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने नेचर स्ट्रक्चर की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा ही उन पर डिपेंड हो जाने लगती है। उस प्यार को पाने के लिए जो डिवाइन मास्कुलिन उनसे या वो खुद उनसे करती है, इसी वजह से वो खुद की पहचान को ही खुद से दूर कर देती है। उनके मिलने से पहले डिवाइन फेमिनिन के अंदर पहले से ही बहुत सारी क्रिएटिविटी क्वालिटीज़, उनके गुण और बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो वो पहले किया करती थी, जिसकी वजह से ही उनके डिवाइन मास्कुलिन उनकी तरफ अट्रैक्ट थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें प्यार करते थे, परंतु अचानक से ही वो दूसरी दुनिया में खोने लगते हैं। उनके अंदर आपके लिए प्यार भी है, लगाव भी है, लव वाइब्रेशंस भी है, एक दूसरे से आप टेलीपैथी कनेक्टेड भी है, फिर भी 3D वर्ल्ड में वो रनर बन जाते हैं और आप चेजर बन जाते हो डिवाइन फेमिनिन। कुछ तो ऐसा होता है आप दोनों के बीच में जो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसका जवाब भी यूनिवर्स आपको देते हैं कि आपने डिवाइन फेमिनिन अपने आप को, जो अपने वैल्यू को, अपने क्रिएटिव साइड को एक साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ प्यार को अहमियत देते हुए बस उन्हें ही सर्व करना शुरू कर दिया होता है। जबकि यूनिवर्स का संदेश आपके लिए ये होता है कि आप दोनों एनर्जीज इक्वल ग्रोथ करें, और जब आपकी इक्वल ग्रोथ होती है तो आप सेम पेज पे आते हो। मैस्कुलिन एनर्जी अपने कर्मा में और भी ज़्यादा मगन हो जाती है और फेमिनिन एनर्जी खुद को ही भुला देती है, और आपका पूरा झुकाव सिर्फ और सिर्फ प्रेम की तरफ होता है, उसे पाने में आप लग जाती हो डिवाइन फेमिनिन। किसी ना किसी रूप में उन्हें बस आप सर्व करने लगते हो, खुद को भुलाकर अपना वक्त, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी क्रिएटिविटीज़, अपनी वैल्यूज़, और यहाँ तक कि आप जिस काम के लिए इस धरती पर आए हो वो भी आप भूल जाने लगती हो डिवाइन फेमिनिन, और पूरी तरह से मस्कुलिन एनर्जी की तरफ झुक जाते हैं। ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि आप दोनों की ग्रोथ इक्वल होनी चाहिए होती है, तो ऐसे में यूनिवर्स की मर्जी से ही आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो पावरफुल झटका आपको दिया जाता है कि यूनिवर्स आपको ये कहते हैं
कि एक दूसरे को प्रेम करना तो ठीक है, परंतु उस वैल्यू को आपको भी रखना है, क्योंकि आप एक वॉरियर हो, आप एक सोल्जर के रूप में इस धरती पर उतरे हो। इसलिए अपनी पहली ड्यूटी को नहीं भूलना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आप खुद की रिस्पेक्ट को और वैल्यू को इक्वली मेंटेन करके रखेंगे, इक्वली गिव एंड टेक रखेंगे, और ये गिव एंड टेक सिर्फ प्यार लेने में और देने में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी एनर्जीज भी होनी चाहिए। अगर एक दूसरे में कोई भी कमी पड़ रही हो तो आप उन्हें अपनी शक्ति देते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं देनी है, जो आपको स्वयं को खाली होना पड़े, क्योंकि पूरी शक्ति देकर आप खुद को लो महसूस करेंगे और आप खुद में ही हर बार हार का अनुभव महसूस करेंगे। और जितना भी ज़्यादा आप डिवाइन फेमिनिन अपने आप को इग्नोर करती है, अपने अंदर की इनर ब्यूटी को जब आप इग्नोर करने लगती हो, जिस तरह से ईश्वर ने आपको बनाया है उसको भी आप भुला देती हो और सिर्फ प्रेम को पाने के लिए सिर्फ देना शुरू कर देती हो, अपने प्यार को पूरी तरह से डिवाइन मस्कुलिन की सेवा में आप लगा देती हो, तभी आपको यूनिवर्स एक दूसरे से दूर करके ये कहते हैं कि आप अपनी वैल्यू को समझे। और जो डिवाइन फेमिनिन अपने इस वैल्यू को समझती है, माना कि आप थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्टेड हुए, समय से ज़्यादा हद से ज़्यादा आप उन्हें सर्व करने लगे कि वो आपको हर समय अवेलेबल है, ये जानकर आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स का ही रूल्स है कि अगर आप खुद को ही इग्नोर करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो यही याद दिलाने के लिए आपके बीच में टावर मोमेंट यूनिवर्स रख देते हैं। आपके बीच में सेपरेशन, इग्नोरेंस, रिजेक्शन आने लगता है, और ये ब्रह्मांड का सर्वोत्तम नियम है कि आप खुद को इग्नोर कर रहे हो और आप ऐसे में लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, और ऐसा यूनिवर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप लो वाइब्रेशन में जाए। ऐसे में सभी डिवाइन फेमिनिन्स को जिन्होंने इस बात को अच्छे से समझ लिया हो, क्योंकि प्यार तो आपको मिलेगा ही, परंतु खुद की पहचान को भूलकर बाहर नहीं अंदर ढूंढना पड़ेगा। और ये बात जिनके समझ में आई, उन सभी डिवाइन फेमिनिन ने अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लिया, सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू को पहचाना, अपने आप को समय दिया, अपने अंदर के इनर पीस को, अपने अंदर के लव को जाना। इतना दर्द, इतना पेन सहन करके भी, इतनी तकलीफ से, इग्नोरेंस से, इतने रिजेक्शन को पाने के बाद भी, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे और उसके बावजूद भी, सब कुछ देखकर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर इसके पीछे डिवाइन की, यूनिवर्स की कोई इच्छा है जो बेटर ही है, जो आपके लिए बेटर ही है। और वो समय, वो डिवाइन टाइम आने पर ही हमें वो मिल जाएगा जिसके लिए यूनिवर्स और डिवाइन हमें तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज में रहने वाली डिवाइन फेमिनिन ने जो खुद के लिए स्टैंड लिया, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर ज़रूर होगा कि वो खुद को भुलाकर खुदा को नहीं पा सकती है, क्योंकि खुद के अंदर ही खुदा है और हमारे अंदर ही कम्प्लीशन है। और हमारे अंदर ही जो कम्प्लीशन की एनर्जी होती है, शिव और शक्ति की, वो भी हमारे अंदर ही है। तो जब तक हम अपने अंदर की क्षमता को जागृत नहीं करते हैं, अपनी शक्ति को, स्ट्रेंथ को बाहर नहीं लाएंगे, सेल्फ लव नहीं करेंगे, सेल्फ की वैल्यू नहीं करेंगे, इसी की पहचान कराने के लिए डिवाइन और यूनिवर्स आपको सेपरेशन में डाल देते हैं। और ये बात जिन डिवाइन फेमिनिन्स को समझ में आती है, तो ऐसे में वो सभी डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए एक यू टर्न लेते हैं। करंट सिचुएशंस में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में एक ज़बरदस्त टावर मूवमेंट आया है, जिन्होंने अपनी वैल्यू को पहचानने से इनकार किया है, और ना ही ये फेमिनिन की तरफ से है बल्कि ये मैस्कुलिन की तरफ से भी है। जैसे ही फेमिनिन एनर्जी सेपरेट होती है और पहली बार वो अपने लिए स्टैंड लेती है, और जब वो खुद के लिए स्टैंड लेती है, तो उसके बाद जो हलचल मैस्कुलिन में होती है, जो सेपरेशन वो महसूस करते हैं, जो मिसिंग एनर्जी और जो ब्लैक एनर्जी वो खुद में महसूस करते हैं, उसको पूरे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति भर नहीं सकती है। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी ही एनर्जी से गुजर रहे हैं,
क्योंकि उसी कन्फ्लिक्ट में वो आज भी है। लेकिन जैसे ही उनकी डिवाइन फैमिली ने अपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, खुद पर फोकस किया है, सेल्फ लव में आ गए हैं, झुकना नहीं है उन चीज़ों के लिए जो आपको लो वाइब्रेशन में ले जाती है, और ऐसे में जो डिवाइन फेमिनिन्स पूरी तरह से डिवाइन को और यूनिवर्स को समर्पित होते हुए अपने एंजल्स पर, अपने खुद के प्यार पर भरोसा करते हुए अपने आप के लिए जो स्टैंड लिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और उनके मैस्कुलिन एनर्जी ने भी ये महसूस किया है कि कहीं तो कुछ तो उनके अंदर मिसिंग है जो उनके फेमिनिन से उन्हें जोड़ दे रही है। ये मिसिंग एनर्जी उनके डिवाइन फेमिनिन की ही है जो हर पल उनके साथ रहती थी, अब वो कहाँ गई। आज उन्हें ये महसूस हो रहा है और ये सन्नाटा, ये शांति उन्हें अलोन फील कर रही है, और ऐसे में उन्हें याद आ रही है वो प्रेजेंस जो हर पल उनके लिए मौजूद रहा करती थी, प्यार से, जिद से, और उनके साथ हर पल रहा करती थी, और वो एनर्जी अब कहाँ खो गई है। और इस मिसिंग एनर्जी में मैस्कुलिन को जो तड़प हो रही है, जो तकलीफ, जो दर्द वो फील कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप जल्दी से कम बैक करें उनके जीवन में, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में वो पूरी तरह से आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, और यही करंट चैनल मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मैसेज है, जो उन डिवाइन फेमिनिन के लिए है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और ये मैसेज ऐसा है कि जब आप खुद को प्यार करते हो तो संपूर्ण सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड आपसे प्यार करने लगता है, और ऐसे में आपके डिवाइन मस्कुलिन भी आपके बिना बिल्कुल अधूरा फील करते हैं। आपके जाते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। ऐसी ही एनर्जीज में कुछ डिवाइन फेमिनिन है जो अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ रीयूनाइटेड होने के लिए अब डिवाइन से, यूनिवर्स से याचना कर रहे हैं। और यही प्यारा सा, खूबसूरत सा चैनल मैसेज हुआ है कि वो आपकी प्रतीक्षा में है और अब वो आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं। आज का यही चैनल मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।